डियर स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, अस्सलाम वालेकुम। एआईयू रिसर्च कॉर्नर की एक नई एपिसोड के साथ हाजिर हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि ये प्रोग्राम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें हमारे डिफरेंट रिसर्चर्स, एमफिल एलुमनाइज, पीएचडी एलुमनाइज, डिफरेंट डिपार्टमेंट से इस प्रोग्राम में आते हैं और आपके साथ अपनी रिसर्च की जो जर्नी है और रिसर्च की जो प्रोसेस उन्होंने किया होता है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो इसी सिलसिले की कड़ी में आज का प्रोग्राम स्पेशल एजुकेशन के एलुमनाई से रिलेटेड है और हमारे साथ इफ़त नज़ीर खान साहब मौजूद हैं। आप एमफिल स्पेशल एजुकेशन से एलुमनाई हैं और आपका तारुफ ये है कि आप चैड नेशनल यूएसए की मेंबर हैं और इसी ऑर्गेनाइजेशन से आप सर्टिफाइड जो हैं वो प्रोफेशनल काउंसलर हैं और प्रेजेंटली आप वीका क्रिकेट इंटरनेशनल एकेडमी में एज ए काउंसलर काम कर रही हैं और आपका जो फोकस है वो ADHD के ऊपर है। इट मींस अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी, ये एक डिसऑर्डर है और इस पे ये एक्सपर्ट मानी जाती हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ भी मुंसलिक हैं और डिफरेंट कोर्सेज़ को टीच करती हैं एज ए विजिटिंग फैकल्टी। आइए इनसे बात करते हैं। इफ़त, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत शुक्रिया, यू हैव इनवाइटेड मी हियर टू शेयर माय रिसर्च विद यू। और ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया है कि बजाय इसके कि हमारी रिसर्चेज जो हैं वो डंप हुई रहती, तो अब ये एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि हम स्टूडेंट्स के साथ जो है वो दूसरे जो अभी आ रहे हैं उनके साथ अब अपनी रिसर्च को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। वेलकम इफ़त। ऐसे है कि स्टूडेंट्स को आप ये बताएं कि आपका चूँकि एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ADHD के ऊपर है, तो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन योर लिटरेचर रिव्यू, आपने जो आपकी रिसर्च थी एमफिल की वो किस मौजू के ऊपर थी? जी सर, बेसिकली द टॉपिक ऑफ माय स्टडी वाज डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ रेगुलेशन ट्रेनिंग प्लान फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एडोलेसेंस विद अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है। अच्छा इफ़त, ये बताएं कि आपके जो टॉपिक के अंदर ना एक वाज़ह तौर पे एक वेरिएबल है ADHD, तो स्टूडेंट्स को ये बताएं कि ADHD से क्या मुराद है एक्चुअली? सर, ADHD इज़ बेसिकली अ मेडिकल कंडीशन इन्वॉल्विंग ब्रेन डिसफंक्शन और इसमें यह है कि एक इंडिविजुअल ही और शी हैज़ अ प्रॉब्लम ऑफ पुअर अटेंशन स्पैन, excessive impulsivity and hyperactivity, and the comorbid subtypes with anxiety, depression, with oppositional defiant disorder, with conduct disorder and impulsivity also. And attention deficit hyperactivity disorder is a psychobiological disorder that relates to hyperactivity and less impulsive control. It is a configuration of inattention and hyperactivity, lacking persistence and seeking of difficulty in focusing and lack of comprehension. This is the definition of ADHD according to DSM-5. So there is a high extent and degree of co-occurring with learning development issues and with severe psychotic disorders. सही। अच्छा, ये जो ADHD है ये ज़ाहिर है बड़ी एक इम्पोर्टेंट वो एक डायमेंशन है स्पेशल एजुकेशन के हवाले से, तो आपने इसके लिए एक प्रोग्राम डेवलप करना था बेसिकली सेल्फ रेगुलेटेड प्रोग्राम जो स्टूडेंट्स के अंदर इस एक्टिविटी को ADHD की एक्टिविटी को कम कर सके या मिनिमाइज़ कर सके। अच्छा, ये आइडिया कैसे जनरेट हुआ, ये ख्याल कैसे आया, या क्या वो मोटिव्स थे या रैशनल था इस स्टडी के पीछे? सर, जब मैं टॉपिक मैम अपनी सुपरवाइज़र डॉक्टर हिना के पास ले गई थी तो मैं 2-3 टॉपिक्स ले गई थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि इसमें तुम्हें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कौन सा लग रहा है, तो ADHD सीम्स टू मी वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि ये जनरल एजुकेशन के बच्चों और लोगों के बीच में होता है और इट इज़ यू कैन से कि इसकी जो प्रेवलेंस रेट है इट इज़ 4.4%, तकरीबन हर 100 में से 4 से 5 लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। और इसकी दूसरी रीज़न ये थी, इसको जो इसकी रैशनल थी स्टडी की वो ये थी कि बहुत लिमिटेड काम जो है पाकिस्तान में इसके ऊपर हुआ हुआ है, तो मैंने इसको देखा कि ये नॉर्मल लोग इसको बहुत फेस करते हैं, इनका बिहेवियर प्रॉब्लम और ये, और अगर हम इसके ऊपर इनको हेल्प आउट कर दें तो थोड़ी सी अवेयरनेस इसके बारे में कर दें तो ये इनको बहुत सारे और एंटी सोशल बिहेवियर्स और उन चीज़ों से जो है वो बचा सकता है। तो मैं ये चाह रही थी कि एक सेल्फ रेगुलेशन ट्रेनिंग प्लान बनाया जाए कि जिसमें कि ये जो एडोलेसेंस हैं ये अपने आप को उसके बीच में सेटल कर सकें। सही। और मेरे ख्याल है कि इंटरेस्ट की वजह ये भी थी क्योंकि आप ऑलरेडी आपकी प्रैक्टिसेस भी एडीएचडी के हवाले से हैं तो उससे भी ये आपका लिंक करता था और आपके लिए ये फर्दर भी प्रोफेशनल और पर्सनल डेवलपमेंट में भी ये हेल्पफुल था। अच्छा, स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स आपने क्या ड्राइव किए लिटरेचर से? द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आई हैड वाज टू डेवलप अ सेल्फ रेगुलेशन training plan for the treatment of adolescents with ADHD, and the second was to evaluate the effectiveness of that self regulation training plan by post test। सही। और इस इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आपने कौन सा रिसर्च डिजाइन जो है वो चूज किया? सर, माय रिसर्च डिजाइन वाज क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च and the design was one group pre-test post-test design। ठीक है। dear students, क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हम उस वक्त चूज करते हैं जब हमारे पास रेंडमाइजेशन की ऑप्शन नहीं होती, यानी जो सब्जेक्ट्स हैं वो कंट्रोल या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम रेंडमली जब असाइन नहीं कर पाते तो उस सिचुएशन में हम इंटैक्ट ग्रुप ले लेते हैं। ठीक है, जब हम इंटैक्ट ग्रुप लेते हैं तो उस वक्त हम क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस में से कोई डिज़ाइन फॉलो करते हैं। तो आप जब रेंडमाइजेशन कर पाएँ तो फिर आप ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस में से कोई डिज़ाइन चूज़ करेंगे, और अगर आप इंटैक्ट ग्रुप लेंगे और रेंडमाइजेशन पॉसिबल ना हो उस सिचुएशन में तो फिर आप क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस में से कोई डिज़ाइन लेंगे। अच्छा, ये बताएं इफ़त के जो आपकी इंटरवेंशन थी उसकी डिटेल स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। सर, जो मेरी इंटरवेंशन थी वो एक्चुअली दैट वाज द ट्रेनिंग प्लान, तो विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन ऑफ चैड नेशनल एंड लोकल मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड द लिटरेचर रिव्यू I developed a training plan for the self-regulation of adolescents with ADHD, and this training plan was divided into 3 basic core modules, including 11 sessions, which we completed in 12 weeks. ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको किया था। ठीक है। अच्छा, ये जब आपने ट्रेनिंग प्लान इम्प्लीमेंट किया, ज़ाहिर आपका प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट जो है वो क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन था और सिंगल ग्रुप था आपका, एक ही ग्रुप के साथ आपने प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट किया। तो वो जो प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट था वो टूल, उसकी भी डिटेल स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। जी, दैट स्केल वाज वेंडर बिल्ट एडीएचडी पेरेंट रेटिंग स्केल, व्हिच आई यूज्ड, एंड दैट वाज वैलिडेटेड बाय प्रोफेशनल्स एंड एक्सपर्ट्स इन पाकिस्तान एंड यूएसए आल्सो, and the reliability of the scale on Cronbach alpha was 0.90 for all the subscales in many studies। Okay, यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स आपको एक इंफॉर्मेशन देता चलूँ कि जब आप किसी भी टूल की वैलिडिटी इंश्योर करते हैं तो हमें वाज़ह तौर पे अपनी रिसर्च के अंदर ये बताना होता है कि हमने वैलिडिटी की कौन सी टाइप को हमने किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या हमने फेस वैलिडिटी इंश्योर करवाई, क्या कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, या आपने कंकरेंट वैलिडिटी इंश्योर की या प्रेडिक्टिव वैलिडिटी इंश्योर की। और आपने एक प्रोसीजर लिखना होता है कि आपने उस पर्टिकुलर वैलिडिटी को इंश्योर करने के लिए कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट किया, इसको आप ज़रूर अपने थीसिस के अंदर मेंशन किया करें। इसी तरह जब आप रिलायबिलिटी किसी टूल की कैलकुलेट करते हैं तो आपको ये मेंशन करना है कि आपने क्या क्रोनबैक अल्फा से रिलायबिलिटी मालूम की, या फिर आपने टेस्ट रीटेस्ट से, या आपने KR20 से कैलकुलेट की। और उसकी भी रीज़न्स देनी पड़ती हैं कि आपने वो पर्टिकुलर रिलायबिलिटी क्यों कैलकुलेट की या उसकी वहाँ पे ज़रूरत क्या थी। अच्छा, मिस इफ़त, ये बताएं कि आपने जो डाटा कलेक्ट किया प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट से, सिंगल ग्रुप आपकी स्टडी थी, तो आपने इसका एनालिसिस कैसे किया? सर, आई यूज्ड पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट, and that was computed to test the hypothesis on SPSS and to analyze the significance of the difference in symptoms of ADHD before and after the self-regulation training plan। सही। अच्छा, dear students, आपको मैं यहाँ पे additional एक information दे दूँ कि हम टी टेस्ट, 2 तरह के टी टेस्ट जनरली हम यूज़ करते हैं। वैसे तो 3 तरह के टी टेस्ट हैं, लेकिन जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं वो इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट है और पेड सैम्पल टी टेस्ट है। जो पेड सैम्पल टी टेस्ट है वो उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम ये देखना चाहते हैं कि एक ही ग्रुप में जो प्री टेस्ट है और उसका जो पोस्ट टेस्ट है उसमें सिग्निफिकेंट फ़र्क पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। अगर हमारा फोकस एक ही ग्रुप के प्री और पोस्ट टेस्ट के रिज़ल्ट को कंपेयर करना हो तो फिर हम पेड सैम्पल टी टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, और अगर कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के पोस्ट टेस्ट को कंपेयर करना होता तो उस वक्त हम इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट लगाते क्योंकि दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के मीन स्कोर्स को कंपेयर करना था। यहाँ पे इनके केस में एक ही ग्रुप के प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के मीन स्कोर्स को कंपेयर करना था तो इन्होंने पेड सैम्पल टी टेस्ट लगाया। अच्छा इफ़त, ये बताएं कि आपकी फाइंडिंग्स क्या रहीं? सर सबसे पहले तो जो मेरी फाइंडिंग थी वो ये थी कि इस रिसर्च के थ्रू ये थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिली थी जो पार्टिसिपेंट्स थे हमारे कि टू रीथिंक एंड टू रीएनालाइज देयर ओन बिहेवियर्स एंड पैटर्न ऑफ लाइफ। ठीक है। और इसके अलावा ये था कि एक ऑब्वियस इम्प्रूवमेंट हमने देखी थी इन द बिहेवियर एंड द पर्सनैलिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, और इसका जो था फीडबैक था वो हमें उनके केयर टेकर्स से भी मिला था कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आया है। खुद उन्होंने खुद भी अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर लिया था तो रिज़ल्ट में मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट सिम्टम्स जो है वो उसमें इम्प्रूव्ड सिम्टम्स नज़र आए थे उसमें। अच्छा एक इससे एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि जो आपके सब्जेक्ट्स थे चूँकि कोविड पीरियड में आपने ये रिसर्च की तो सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने का कोई क्राइटेरिया आपने बनाया था? जी, जो इसमें इंक्लूजन क्राइटेरिया था, एक तो हमने जो डायग्नोज क्लाइंट्स लिए थे जो कि ऑलरेडी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के थ्रू रावलपिंडी इस्लामाबाद में हमने डायग्नोज क्लाइंट्स जो थे उनसे लिए थे। दूसरा ये था उनका इंक्लूजन क्राइटेरिया हमारा कि हमने 90+ जो है आईक्यू लेवल लिया था क्योंकि ये नॉर्मल जो जनरल एजुकेशन में बच्चे पढ़ रहे होते हैं हमारे साथ, जो हमारी फैमिली में बीच में नॉर्मल लोग होते हैं, ये उन्हीं के अंदर एक ADHD मौजूद होता है तो इसलिए इनका 90 हमने देखना था आईक्यू लेवल के, उससे ऊपर हों प्लस हों। और तीसरा ये था कि इनकी कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा हो। तो ये 3-4 चीज़ें हमने देखी थी कि हमसे बात कर सकें, ये बात करेंगे तो ये खुद को हमारी बात को समझेंगे तो सेल्फ रेगुलेट खुद को करेंगे। सही। तो वो हमने ये 3 चीज़ें रखी थी अपने क्राइटेरिया में और उसके ऊपर फिर हमने इनका ये प्लान जो डेवलप किया था और उसकी वजह से फिर हमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आए थे। सही सही। इफ़त ये भी बताइए कि आपने स्टडी की बेस पे जो आपके रिजल्ट्स आए, जैसे आपने कहा कि आपको इफेक्ट नज़र आया, आपकी इंटरवेंशन का इफेक्ट आपको रिजल्ट्स में नज़र आया, तो बेस्ड ऑन ये रिजल्ट्स आपने क्या रिकमेंड की थी आप कि फर्दर क्या किया जा सकता है? सर इसमें मेरे पास 2-3 रिकमेंडेशंस थी। सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे उनमें जब हमने उनको बताया कि आपके बीच में ये प्रॉब्लम आ रहा है तो सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो ना दैट लेवल वाज इंक्रीज्ड। जब वो बढ़ गया तो साथ ही रिवर्सल जो हमारी इम्प्रूवमेंट हुई वो ये हुई कि साथ ही उनके बीच में एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन भी बढ़ा। तो आई रिकमेंड कि जो नेक्स्ट हम रिसर्च करें तो हम इस इशू को ज़रूर एड्रेस करें कि एंग्जाइटी डिप्रेशन नहीं बढ़ना चाहिए ना, कि वो जब सेल्फ कॉन्शियसनेस होगी, अपनी गलती का एहसास हो गया तो फिर उन क्लाइंट्स में एंग्जाइटी डिप्रेशन क्यों ज़्यादा चला गया। पोस्ट टेस्ट में ये आया। पहला तो ये एक मेरी रिकमेंडेशन है कि इस इशू को ज़रूर हमको वो करना चाहिए। सेकंड ये था कि मेरी एज रेंज जो थी इसमें दैट वाज फ्रॉम एडोलेसेंस फ्रॉम 15 to 24 ईयर्स, जबकि ADHD जो है दैट इज़ नॉट ट्रीटेबल, दैट प्रॉब्लम इज़ ओनली मैनेजेबल, दैट प्रॉब्लम इज़ ओनली कंट्रोलेबल। जब ओल्ड एज में आ जाते हैं, एडल्ट ओल्ड में आ जाते हैं, 60+ हो जाते हैं तो यही ADHD ड्राइविंग नहीं कर सकते ड्यू टू लैक ऑफ कंसंट्रेशन। इनका नींद का मसला बन जाता है, इनको ये चाबियां रख के भूल जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब जो नेक्स्ट रिसर्च हमें करनी चाहिए उसमें एज रेंज ज़्यादा होनी चाहिए, सबको बीच में शामिल करना कि बाकियों को भी हेल्प आउट हो। तो मेरे ये 2 बेसिक रिकमेंडेशंस हैं कि एक तो इसके ऊपर काम करें एंग्जाइटी डिप्रेशन पर, और दूसरा ये कि इसमें एज रेंज बढ़ा दी जाए तो नेक्स्ट जो रिसर्चेज हों वो थोड़े ज़्यादा एज के ऊपर हों तो वो बेहतर है। अच्छा ये आप ये समझती हैं कि जो आपकी फाइंडिंग्स आई हैं या जो आपकी रिसर्च है उसका सोसाइटी के ऊपर भी कोई बेनिफिट है? जी वो मैं उसी के हवाले से काम कर भी रही हूँ। इफ़ यू वुड अलाउ मी तो मैं आपके साथ मीडिया के हवाले से डिस्कशन कर लूँ। ये एक हमारी इस वक्त पाकिस्तान में सबसे अच्छी क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी है तो मैं इनको साइको एनालिसिस अवेयरनेस काउंसलिंग सर्विसेज दे रही हूँ ADHD की। तो हम इनके ऊपर ये काम कर रहे हैं कि हम इनकी जो ADHD काउंसलर है वो हम इनकी मेंटल और जो फिज़िकल परफॉर्मेंस है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो अभी जब हम इनको ADHD के बारे में बता रहे हैं तो इनकी उस तरह से परफॉर्मेंस बहुत बेहतर आ रही है, फिर मेंटल स्ट्रेटजीज़ इनकी बेहतर आ रही हैं, विजुलाइजेशन बेहतर हो रही है, एंड द रिलैक्सेशन ऑफ नर्व्स इनको वो हो रहा है, प्लस मोटिवेशन लेवल बहुत इंप्रूव हो रहा है। यानी जो आपने रिसर्च में लर्निंग की है या जो आपके रिसर्च के प्रोसीजर है वो अब आप उसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं वीका के अंदर, अप्लाई कर रही हूँ। और उनकी इमोशनल रेगुलेशन में बहुत सारे बच्चों को वहाँ पे ऐसे देख रही हूँ कि जो इमोशनली बहुत अपसेट हैं, तो हम उनको देख रहे हैं कि क्यों वो इस तरह से हो रहा है, तो हम उनको इमोशनल रेगुलेशन दे रहे हैं। इसके अलावा जो प्रेशर ऑफ कंपटीशन है, बेसिकली स्पोर्ट्स में या ज़िंदगी में वैसे भी एक प्रेशर ऑफ कंपटीशन है लोगों के ऊपर, हम इस काउंसलिंग के थ्रू, एडीएचडी काउंसलिंग सर्विसेज के थ्रू हम उसको प्रॉपर्ली जो है मैनेज कर रहे हैं। तो ये जो मेरी ये जो रिसर्च है, अगर सेल्फ रेगुलेट कर दिया जाए इंसान को कि वो अपने आप को खुद चेक करे, तो वो मेरा ख्याल है कि एक बहुत अच्छी उसके लिए ज़िंदगी भर के लिए एक बहुत अच्छा जो है वो फ़ायदा हो जाएगा। सही। तो और ये भी बताइए कि आपने ज़ाहिर यहाँ से एमफिल किया है और कोर्सेज़ भी पढ़े स्पेशल एजुकेशन के और रिसर्च का प्रोसीजर भी लर्न किया, तो आप क्या समझती हैं कि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट में ये कितना हेल्पफुल है? मुझे तो बहुत बहुत फ़ायदा हो रहा है इसका, और इसकी जो एप्लीकेशन या सिग्निफिकेंस इसकी है इस ADHD अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम की, मुझे पर्सनली भी बहुत इसका फ़ायदा हो रहा है। और बेसिकली इंसान इस दुनिया में किस लिए आया है? दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, तो आप इसलिए आए हैं ना कि आप दूसरों को हेल्प आउट ज़रूर कर पाएँ, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रहनुमाई उनकी ज़रूर कर पाएँ। तो ये एक बहुत ही अंबिया का पेशा है दूसरों को रहनुमाई देना, तो वो एक मुझे उसमें बड़ी एक चाम नज़र आ रहा है कि आई कैन हेल्प दोज पीपल जो कि नॉर्मल होते हैं और आप उनको वो सारी ज़िंदगी इस प्रॉब्लम को फेस करते रहते हैं और लोग उनकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। तो हम जब ये जज कर लेते हैं कि नहीं इसमें ये मसला है और उसको खुद भी बता दिया जाता है और उसके घर वालों को भी, केयर गिवर्स को भी, तो वो थोड़ा सा उनकी लाइफ ईजी हो जाती है। सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आखिर में ये भी बताएं कि आपने जब इतना एक्सपीरियंस यहाँ से लिया है एमफिल के उस रिसर्च के प्रोसेस में, जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं जो पर्टिकुलरली ADHD में आना चाहते हैं और स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं, इधर एमफिल प्रोग्राम, इधर मास्टर डिग्री, इधर PhD लेवल प्रोग्राम्स, उनके लिए अगर आपको मैसेज देना। सबसे पहले तो यहाँ पर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो, तो पढ़ते ज़रूर रहें, इल्म ज़रूर हासिल करते रहें, ये एक इबादत है। और दूसरी बात ये कि जब अगर आप स्पेशल एजुकेशन में चले जाते हैं तो फिर तो ये ह्यूमैनिटेरियन बेस सब्जेक्ट है, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें उसको। और ADHD के हवाले से या किसी भी दूसरे किसी अच्छे टॉपिक को लेकर जिसकी कि सोसाइटी को ज़रूरत है, आप इसमें ज़रूर हेल्प आउट करें और अपने इससे की शम्मा ज़रूर जलाते जाएं दुनिया में। सही, बहुत शुक्रिया इफ़त नज़ीर खान, आप तशरीफ़ लाई और आपने तफसील के साथ अपनी रिसर्च जो है वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर की। डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं तो उसमें एक ख़ास पहलू जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वो है इंटरनल वैलिडिटी के थ्रेड्स को कंट्रोल करना। स्पेशली जब आप कोई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस में जाते हैं या इवन सिंगल केस स्टडी में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी के थ्रेड्स को कंट्रोल करने के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं कि कैसे आपने वो कंट्रोल किया। इसका आसान हल ये है कि अगर आप सिंगल केस की बजाय कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लेके चलें अपनी रिसर्च के अंदर, इधर कोई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस हों या ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस हो। कंट्रोल ग्रुप के ऐड होने से एक आसानी पैदा ये हो जाती है कि जो थ्रेड्स आपके कंट्रोल ग्रुप को अफेक्ट कर रहे हैं वही आपके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को भी अफेक्ट कर रहे होते हैं, तो उससे जो इफ़ेक्ट है जो हम वो मिनिमाइज हो जाता है। और रिसर्चर्स को डिटेल के साथ मेंशन करना चाहिए मेथडोलॉजी के चैप्टर में कि कौन कौन से वैलिडिटी के थ्रेड्स थे इंटरनल और उनको किस तरह कंट्रोल किया गया, इवन जो कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स हैं उनको भी कैसे कंट्रोल किया गया। मैं इसी बात के साथ इस प्रोग्राम का अख्तिताम करूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।